वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी कुकिंग एक्सपर्ट पर, जहां सीखेंगे हम घर में उपलब्ध सामान से ही टेस्टी डिशेज बनाना। आज हम बनाने जा रहे हैं देसी तरीके से दम आलू। ये देखिए, हमने आलू लिए हैं, थोड़ा सा ऑयल, टमाटर की प्यूरी, टमाटर का पेस्ट जिसे हम टमाटर पीस के बनाए हैं, ये है हमारी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा प्याज लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, नमक स्वादानुसार, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लहसुन, अदरक का पेस्ट, धनिया, जीरा पाउडर। तो चलिए अब हम अपने दम आलू, उसके लिए हम अपने दम आलू को तैयार करते हैं। ये आलू हमने छील कर धोकर रखे हैं, हमें आलू उबालना नहीं है, हमें कच्चे आलू से दम आलू बनाना है। तो ये आलू हमने छील लिए, अब इसे हम इस तरीके से छेद कर देंगे। आलू हमने अपने सारे आलुओं में ये देखिए इस तरीके से छेद करके रख दिया है। गैस पे हम कुकर चढ़ाएंगे, गैस को फुल करेंगे, कुकर गरम करेंगे अपना हम, उसके बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डाला, हमने जितना प्याज किया था उसका आधा प्याज लेंगे, थोड़ा प्याज फिर हम चला देंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक हम अपना प्याज भूनेंगे। ये देखिए हमारा प्याज हो गया है, अब हम इसमें और तब तक हम घी मसाला अपना तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने लिया है अदरक का पेस्ट, इसमें हम गरम मसाला डाल लेंगे, धनिया जीरा पाउडर डाल लेंगे और पानी डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने डाला, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, हमारा मिक्स हो गया है। हम चाहे तो इसमें लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, बच्चों को आलू बहुत पसंद है, तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप आलू में अपनी मिर्ची मत डालिए, अदरवाइज आप मिर्ची इसमें डालिए। तो चलिए हमारी हल्दी हो गई है, अब हम हमारा मसाला पूरी तरीके से हो चुका है, अब हम इसमें ये अपनी टमाटर की प्यूरी, टमाटर का पेस्ट डाल देंगे जो हमने बनाया था, और इसे हम सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाएंगे, ज्यादा नहीं पकाना है, 2 मिनट पकाना है। ये देखिए हमारी प्यूरी 2 मिनट हो गए, अब हम इसमें अपने आलूओं को डाल देंगे और अच्छे से इन्हें हम इस तरीके से। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, जैसा कि आपको पसंद हो आप वैसा नमक डालिए, करेंगे। फिर ये जो कटा हुआ प्याज हमने बचाया था ये भी हम इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 सेकंड के लिए हम इसे ऐसे ही चला देंगे, और 1 सेकंड हो गया है, अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी हमको आलू से थोड़ा सा ऊपर रखना है, ज्यादा पानी नहीं डालना, फिर हम इसे अच्छे से ये देखिए हमने इसमें इतना पानी डाला है। देखिए अब इसका कुकर का ढक्कन हम बंद कर देंगे और 1 सीटी हम फुल पर लेंगे और 1 हम सिम पर लेंगे। ये देखिए हमारी दम आलू बनके रेडी हो गई है, बिल्कुल देसी तरीके से हमने बनाई है, आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए। थैंक्स दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और देसी तरह से खाना बनाएं, खिलाएं और खाएं। शुक्रिया।